करना परसों जो निर्मल में जो वाकया हुआ और छोटे मोटे जो वाकयात हो रहे हैं, मसाजिद पर हमला, बेकसूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, रामनवमी के जुलूस में जो इश्तियालंगेजी की गई और ये कोशिश की जा रही है कि रियासत की जो हालात है इसको खराब किया जाए, इसका हुकूमत को चाहिए कि सख्त नोट ले और बेकसूर लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उनको गिरफ्तार न किया जाए। मस्जिद पर संगवारी की गई, मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई, मस्जिद पर रंग फेंका गया, गुलाल फेंका गया और मुश्तैल किया गया निर्मल के अमन पसंद लोगों को, और जब लोग अपने दिफा के लिए आगे बढ़े तो उनको पुलिस की ज्यादतियों का सामना करना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस ताल्लुक से नोट लेगी और इस रियासत में फिरका परस्ती को आगे बढ़ने नहीं देगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए हमने बार बार मुतालबा किया है, आज भी ये मुतालबा करता हूँ कि पुराने शहर की तरक्की के लिए 1,500 करोड़ का पैकेज का ऐलान करें, क्योंकि चार मीनार मिनिस्ट्राइजेशन के नाम पर आज कई ठेला बंडी वाले, डब्बे वाले आज चार मीनार के अतराफ जो कारोबार करते थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, उनके रोजी रोटी पे असर न हो इस तरीके से मुतबादल उनको इंतजाम करने का हमने एक प्रपोजल दिया है। सालार जंग म्यूजियम के सामने 3 ब्रिजेस डालकर उनको उस मुकाम पर बिठाकर कारोबार करने की इजाजत देने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी।